ये है गुरुद्वारा गोविंद घाट। जोशी मठ से इसकी दूरी लगभग 16 किलोमीटर की है और हेमकुंड साहब यात्रा के दौरान ये पहला पड़ाव भी है। तो आज हमारी टीम ने यहाँ पे सेवा करने का निर्णय लिया है और आज हम यहाँ पे लंगर की सेवा करने वाले हैं। गुरु साहब का आशीर्वाद लेते हैं, लंगर की सेवा करते हैं और अपना जीवन सफला करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं लंगर हॉल। 2013 की निशानी है, इतनी बड़ी शिला, इतना बड़ा पत्थर आग गिरा था लंगर हॉल में और अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि ये बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ। उधर से जो खिड़की दिखाई दे रही है आपको वो वाली, वहाँ से पूरी दीवार नहीं बनी है, वहाँ तोड़ के पानी पानी आ गया था और ये सारा ये कितने टन का पत्थर होगा, ये पूरा पूरा पत्थर यहाँ गिरा था। 2013 की निशानी यहाँ पड़ी हुई है अभी लंगर हॉल में। ओपनिंग सेरेमनी पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो आराम से यहाँ पर लंगर सकते हैं और फिर निकलते हैं गुरु साहब की सेवा के लिए। अच्छा जी, गुरुदर लंगर वाइट थोड़े भाई हो पत्थर पते यह है गोविंद घाट का गुरु का लंगर जिते तैयार होता है जी। बड़ी बड़ी तेगा लगी हुई ने, साढ़े वीर जी जो है लंगर तैयार कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये तड़के तैयार हो रहे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और वाहेगुरु चढ़ती कला वो चल रही है आटा गुन के प्रसाद पकाने मशीन। ये आटा जो गुदा हुआ आटा है, गुदे हुए आटे को डाला जाएगा मशीन के अंदर। मशीन कर दी गई ऑन। किया और यहाँ पे आके रोटी बिल रही है और रोटी बिल के ये रोटी जा रही है आगे। रोटी का अपना थोड़ा रहेगा, यहाँ पलटी मारेगी और इस कन्वेयर पे हल्का सा हीट हुआ और नेक्स्ट नीचे चल रही है आग। यहाँ से रोटी पक के यहाँ से बाहर कहते प्याज खीरा की कटिंग हो रही है, हमने कद्दू का कट्टे जा रहे हैं। क्या बात है जी, ये मोटे सारे अपने टीम पे लगे हुए थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये दिन की सब्जी तैयारी हो रही है और सकता बाहर तो भी आई हुई है। हमको लगा कि आज लंगर के अंदर क्यों ना चटपटे आलू और प्याज के पकौड़े बनाए जाएं, तो टीम मेंबर्स के हौसला अफजाई पे हमने कंट्रोलों के हिसाब से यहाँ पे आलू और प्याज काटे और उसके अंदर बहुत बढ़िया मसाले मिलाकर तय किया कि आज संगत को आलू और प्याज के पकौड़े खिलाते हैं। एक कहता मैं सो गया सी, ए लाल वाला खाना सही है, मेरे यहाँ प्याज कितने कटे हैं? प्याज कितने कटे हैं? 10 रुपए ने खा। आपको लग रहा होगा कि मैं रो रहा हूँ, पर मैं रो नहीं रहा हूँ एक्चुअल में। हमारी टीम ने एक उपरावला को हिंदी में क्या कहेंगे, एक कमिटमेंट किया था कि आज संगत को खिलाएंगे प्याज और आलू के पकौड़े। तो प्याज काटते समय आंखें जो हो गई हैं लाल लाल हो गई हैं और चल क्या रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस मशीन से आप प्याज काट रहे थे अब उसकी हो रही है सफाई। मशीन की सफाई के दौरान ये हल्का सा हाथ कट गया है और डॉक्टर के पास चलते हैं और फटाफट फिटनेस इंजेक्शन लगवाते हैं। ये डॉक्टर साहब ने सुई रेडी कर ली है और ये लिए रुई, उसमें कुछ लगाया उन्होंने और ये 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 देखो अब ये भाजी रोने लग गया, आंसू निकले सी प्याज कटते हुए पर ये सुई आ, 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 लाग बन रहा है, तू क्यों रो रहे हैं? धन्यवाद। इस आदमी की वीडियो नहीं बनानी, बाकी सब ठीक है। गलती से भी मेरी वीडियो बाहर ही जानी चाहिए। ये पकौड़ों के लिए प्याज बिल्कुल कट के तैयार है, आलू हमने अलग से कट रहे हैं और ये आलू प्याज भी चख के उसमें बेसन मिला के थोड़ा हल्दी
को बनाया जा रहा है और ये हो रही है उसकी तैयारी। सामने मिर्चें मिलाई जा रही हैं और ये है साथ में गरम मसाला। क्या बात है, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कट्टों के हिसाब से आज हमारा राशन तैयार होने वाला है। तो ये बेसन है वो कट्टों से ही डाला जा रहा है और बहुत ही अनुभवी सेवादार है हमारे यहाँ के, क्योंकि बिल्कुल तोल मोल के हिसाब से राशन को बनाते हैं ताकि वेस्टेज भी ना हो और तरीके से सब चीज़ जा जाए। और आइए अब इसको पूरे की पूरी सामग्री को मिलाते हैं बढ़िया से, ताकि जो खाने वाला है लंगर छिपने वाला उसको भी आनंद आ जाए। पकौड़ों को सबसे पहले हाफ फ्राई किया जा रहा है ताकि बाद में इनको आधा करके इसके अंदर फिर दोबारा फ्राई करेंगे, जिससे ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएंगे। दिलजीत सिंह बेदी और हीरो इंद्रजीत सिंह हीरो भी दोनों लगे थे सेवा से, बाकी संगता ये साढ़े जगविंदर वीर जी आए ने। हाँ जी जगविंदर भाजी सह चल रही सेवा, तुझे लगो लगे रहो लगे रहो। चाह पीन कोई आ नहीं रहा सी और जरे पकौड़े की सेवा लगनी शुरू हुई है और लेने लेना बंद हो गया। क्या बात है, आइए तो जा रहे रजीत गाला। तीन बाटे खाज कल तीन तीन बाटे भाई, पार्टी और खत्म डिमांड खत्म। क्या बात है बंटी वीर जी, आज बंटी वीर जी और करनैल सवेर के झूठे भांडे सेवा लगे हुए ने। आज की लंगर की ये हमारी सेवा सुबह से लेकर शाम तक ऐसे चलती रही और सेवा का आनंद उठाते हुए गुरु साहब की संगत का आशीर्वाद लेते हुए पूरा दिन ऐसे निकल गया। और कल की जो यात्रा का दिन है, पैदल यात्रा शुरू होगी हमारी गोविंद घाट से गोविंद धाम की, उसे जरूर देखिएगा, एंजॉय करिएगा और आपका आशीर्वाद ऐसे देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।